भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आओ चले विकास की ओर। ग्राम सभा चक सिक्ठी नयापुरा से प्रधान पद के प्रत्याशी सना परवीन भावी कर्मठ संघर्षशील व जुझारू समाज सेवी शपान नेत्री सना परवीन को भारी मतों से विजयी बनाए। भाजपा मंडल नराल बगड़ के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की आगामी चुनाव के मद्देनजर आज यहां ब्लॉक सभागार में मंडल अध्यक्ष एमएन चंदौरा की अध्यक्षता में बैठक आहूत हुई, जिसमें भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। बैठक में कार्यकर्ताओं द्वारा सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को रखते हुए उनके समाधान किए जाने की बात कही। बैठक में नराल बगड़ मंडल के प्रभारी भाजपा जिला उपाध्यक्ष नंदी कुनियाल एवं प्रवासी प्रभारी पूर्व प्रमुख थराली राकेश जोशी बतौर पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। उन्होंने सभी और पदाधिकारियों की समस्याओं को गौर से सुना और मौके पर ही आश्वासन दिया गया कि चुनाव से पहले ही सभी क्षेत्रों की जन समस्याओं के समाधान के लिए शासन से बात की जाएगी। इस अवसर पर प्रत्येक बूथ पर पन्ना प्रमुख की नियुक्ति हेतु शक्ति हेत केंद्र प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 30 अप्रैल तक सभी बूथों पर पन्ना प्रयोगों की नियुक्ति की जाए। बैठक का संचालन मंडल महामंत्री स्वरूप सिंह सिनियाल ने किया। विधानसभा चुनाव का जो है काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पार्टी ने हमें निर्देश दिए हैं कि बूथ कैसे मजबूत किए जाएं। बूथों पर जो ये कार्यक्रम होना है, बूथों को मजबूत करने के लिए मंडल कार्यकारिणी की यहाँ पर बैठक रखी गई है और ताकि जो है जिन लोगों को जो है शक्ति केंद्र का प्रभार मिला है, मंडलों का प्रभार मिला है, सारे जो हमारे नाराज कार्यकर्ता हैं किसी तरह से जो है नाराज हैं उनको भी जो है एकत्र किया जाए। जो हमारे पुराने हैं जिनको आज तक पूछा नहीं गया है उनको भी जो है साथ लेते हुए और नए कार्यकर्ताओं को जोड़कर संगठन को मजबूत किया जाए और हम संगठन को मजबूत करते हुए 2022 में किस ढंग से अपनी जो है सरकार बने, जिस ढंग से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए यह बैठक आहूत की गई है और वो बैठक हमें जो है 13 तारीख तक सारे पूरे जिले में करनी है। इस नियमित यहाँ बैठक रखी गई है, इसलिए हम यहाँ पर संगठन को कैसे विस्तार दें धार दें इसी के निमित्त यह बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल नारायणगढ़ की जो बैठक हो रही है उसमें आज पन्ना प्रमुख नियुक्ति पर होना है हो रही है। आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक बूथ पर जो वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट के प्रत्येक पन्ने पर एक पन्ना प्रमुख होगा और उससे हमको ये लाभ होगा कि पन्ना प्रमुख की नियुक्ति होने पर उस पन्ने में जितने भी वोटर हैं उनसे वो बराबर संपर्क करते रहेंगे और आज से लेकर और चुनाव तक प्रत्येक पन्ना प्रमुख प्रत्येक परिवार के साथ सहयोग करेगा और उनसे संपर्क करते हुए इस अभियान में अपनी भूमिका निभाएंगे। आज की पन्ना प्रमुख की ये प्रथम बैठक, पहली बैठक और प्रमुख बैठक है। जैसा लोग अभी विधायक जी के उपस्थित नहीं होने से लोग नाराज थे कि विधायक जी उपस्थित नहीं रहे, तो क्या कहना चाहेंगे विधायक जी के उपस्थित नहीं रहे? विधायक जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं अपने स्तर से वो लगे हैं कि गांव-गांव का भ्रमण भी कर रहे हैं और योजनाओं का भी बराबर नियोजन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी उन्होंने 110 रोड़ों का प्रस्ताव शासन को भेजा है और कितने रोड हैं उसमें स्वीकृत हो पाती है, हम उन पर दबाव डालेंगे, संगठन के माध्यम से विधायक जी पर दबाव डालेंगे कि 110 का जो प्रस्ताव आपने दिया है उनको स्वीकृत करें और जो विकास योजनाएँ विकास में विधायक निधि हैं उन पर भी हम चाह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को उसका लाभ मिले। देखिए आज की जो ये बैठक थी, ये बैठक न होकर एक कार्यशाला है कार्यकर्ताओं का। यहाँ पर आगामी 2022 को लेकर एक मंथन बैठक थी और मेरे से पूर्व लोगों ने आपको जानकारी दी होगी, भाजपा जो है कि बूथ लेवल पर और बूथ लेवल एक एक कार्यकर्ता एक एक वोट कैसे जुटाए इस परिप्रेक्ष्य में ये बैठक आज की जा रही है। बाकी सरकार में होने के नाते कार्यकर्ताओं की बहुत अपेक्षाएँ होती हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं जिसे काम ना हुआ हो। 19-20 जहाँ मैं समझता हूँ कि बड़े पानी रहता है वहाँ हल्का फुल्का कीचड़ हो ही जाता है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हमारी राज्य सरकार काम कर रही है, क्षेत्रीय विधायक अच्छा काम कर रही है, क्षेत्रीय जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि है बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्हीं कामों को लेकर हमने अभी जनता के बीच में जाना है और 2022 फतेह करना है। मंडल का प्रभारी बनना मेरा सौभाग्य है और हमारी जो ये बैठक थी ये हमारे हाईकमान से जिले से प्रदेश से हमें निर्देश हुआ कि हमें हर बूथों को मजबूत करना है और बूथों से जो हमारे पन्ना प्रमुख की बैठक थी हर बूथों पे हमने अपने लोगों को आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में अपने बूथों को मजबूत करना और अपने पार्टी को 2000
22 में जो हमें आदेश हुआ है उसके लिए प्रजम लेने का हमारा ये काम है और उम्मीद करती हूँ कि हमारे नारबगढ़ के जो मुझे ये काम मिला है नारबगढ़ के लिए सारे नारबगढ़ के हमारे कार्यकर्ता बहुत जोश खरोश से हम 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं। नाराज़गी तो हो सकता जब कोई पद पर रहता तो किसी का काम है तो नाराज़गी और ये चीज़ तो कर दे पर हम भी उनको मनाने का काम करेंगे और अपनी विधायक से बात रखेंगे ये जिसके तहत मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। और वैसे ऐसी नाराज़गी नहीं है कोई सभी लोग का काम कुछ कोई काम छोटे होंगे से विधायक जी ने बहुत अच्छा काम इस विधानसभा के लिए किया हुआ है और कोई भी कुछ काम छोटेंगे कोई लोग संतुष्ट होंगे तो उनको हम प्रयास करेंगे कि उनके काम तुरंत हो जाए।